हे गाइस, दिस इज हिमांशु सिंह। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरीके से हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में CSS को एक्सटर्नली इंक्लूड करते हैं और क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम CSS के तीन पार्ट्स देखते हैं, जैसे इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। कब हमें इंटरनल यूज करना है, इनलाइन यूज करना है, एक्सटर्नल यूज करना है, ठीक है? तो वो सब जो सारी आपकी चीजें हैं वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं अपना एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। HTML टाइटल में लिख देता हूँ एक्सटर्नल केसेस। देन ठीक है, लिख देता हूँ क्या सकते हैं, ठीक है? ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ आपका डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी क्रिएट हो चुकी है HTML फाइल, ओपन कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये है हमारी HTML फाइल का आउटपुट। अब हमें इसमें एक्सटर्नली CSS को इंक्लूड करना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? मैं एक और नोटपैड की फाइल ओपन करता हूँ। ठीक है, इसमें P जो होगा वो आपका सिलेक्टर हो गया। ठीक है, कलर प्रॉपर्टी हो जाएगी और कलर में जो हम वैल्यू देंगे, ठीक है, कलर के लिए मैं यहाँ से देख लेता हूँ। तो आपको जब भी कोई कलर फाइंड करने हो तो आप कलर फिगर से कीजिए, ठीक है? आप वैल्यू बता चुका हूँ कि डायरेक्ट नाम मत लिखिए, रेड, ब्लू, ब्लैक, तो वो हर ब्राउजर के हिसाब से अलग अलग इंटरप्रीट करेगा, ठीक है? तो मैं अभी के लिए यही ले लेता हूँ, ठीक है? इसको कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर, ठीक है? फाइल को सेव करते हैं डेस्कटॉप पे, style.css। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट चेंज नहीं हुआ, ऐसा क्यों? ठीक है, तो हमारा आउटपुट जो है चेंज नहीं। अब हमें जो अपने फाइल को लिंक करना पड़ेगा, तो CSS को एक्सटर्नली इंक्लूड करने के लिए हम लिखेंगे लिंक REL स्टाइल शीट, देन टाइप लिखेंगे टेक्स्ट CSS HREF और जो हमारी CSS की फाइल थी वो हमने डेस्कटॉप पे ही सेव की थी, इसलिए यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट style.css लिखे। अब आप जहाँ पे भी सेव करें उसका पाथ आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है? मैंने डेस्कटॉप पे ही दोनों फाइल सेव करी है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट style.css लिखे, ठीक है? सेव कर दिया इसको मैंने, आउटपुट देखा तो आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट है वो हमारा कलर चेंज हो चुका है, जिस तरीके से हमने हमारी एक्सटर्नल CSS फाइल में P को जो कलर दिया था वो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है? एक चीज और आपको बतानी है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने टेक्स्ट स्लैश CSS लिखा है, अगर मैं यहाँ पे CSS स्लैश टेक्स्ट लिख दूँ तो क्या आउटपुट सेम आएगा कि नहीं आएगा?
आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट है वो सेम नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस चीज का याद रखिए कि आपको टाइप में टेक्स्ट स्लैश CSS ही लिखना पड़ेगा। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब मैं प्रोजेक्ट बना रहा था तब मैंने भी ये गलती करी थी, तो मैंने सोचा कि आप भी ऐसी गलती कर सकते हैं, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा एक्सटर्नल हो चुका। अब एक और चीज, जैसे कि मान लो मैं इसमें इंटरनल CSS यूज करता हूँ, ठीक है, पी सिलेक्टर के लिए, कलर कलर तो कैसे लेंगे अपन, तो इस बार थोड़ा ब्लू कलर लेते हैं, कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर, ठीक है। फाइल सेव करी, इसको रिलोड किया, तो आप देख सकते हैं कि जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटरनल CSS है वो ओवरराइड कर देती है हमारी एक्सटर्नल CSS, ठीक है। तो ये कब यूज आएगा, मान लीजिए आपने एक्सटर्नल CSS हम तब यूज करते हैं जब आपको किसी भी एलिमेंट का एक कॉमन यूज करना है, जैसे कि आपको कलर का, जैसे पिछले एक्सटर्नल में हमने रेड कलर यूज किया है, तो अगर आपको पी का एक कॉमन कलर लेना है हर अपनी फाइल में तो आप एक्सटर्नल CSS का यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए एक पर्टिकुलर HTML फाइल में आपको कलर चेंज करना है तो आप इंटरनल यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि आपको एक पर्टिकुलर एक फाइल के एक पर्टिकुलर एलिमेंट में ही कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम इनलाइन यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टाइल मैंने यहाँ लिख दिया, देन कलर, ठीक है। कलर को कैसे हम देखते हैं, कलर कॉपी कर, ठीक है, सेव किया, एंड रीलोड। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया। और इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो इनलाइन CSS है वो स्ट्रॉन्गर है इंटरनल CSS से, और इंटरनल CSS जो है वो स्ट्रॉन्गर है एक्सटर्नल CSS से। तो इट डिपेंड्स कि आपको किस एलिमेंट में किस तरीके का कलर चाहिए, उस हिसाब से आप अपने CSS को इम्प्रूव कीजिए उसमें, चाहे वो एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो या इनलाइन। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि एक्सटर्नल CSS को हम किस तरीके से इंक्लूड करते हैं अपने एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट में, इनलाइन कब हम यूज करेंगे, इंटरनल कब यूज करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए, और जल्दी मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।